हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं प्लाज्मा डिस्प्ले और एलसीडी में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं एलसीडी और एलईडी में, ठीक है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले वो देख लो। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एलसीडी, ठीक है। तो आई होप आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब इनका डिफरेंस हम देखने वाले हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। तो किसके बेस पे हम देखने वाले हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो इट इज़ द डिस्प्ले विच डिपेंड अपॉन द लाइट बल्ब, ठीक है। तो ये जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट पूरा डिपेंड है लाइट बल्ब के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एंड आल्सो मिक्सचर ऑफ गैस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो प्लाज्मा डिस्प्ले के दो प्लेट है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, यहाँ पे परजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, लाइट बल्ब के ऊपर। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस्ड डिपेंड होता है, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट विच बेस्ड ऑन द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल ये हो गया, मटेरियल अपने आप लगा लेना, दैट इज यूज टू ट्रांसमिट पोलराइज लाइट विच इज यूज टू डिस्प्ले, ठीक है। अब वेट के बेस पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसका हैवी वेट होता है और इसका क्या होता है, लेस वेट होता है कंपेयर टू प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम बर्न इन की बात करें, ठीक है। तो जो प्लाज्मा पैनल होता है सफर फ्रॉम बर्न इन प्रॉब्लम, तो जो हमारा प्लाज्मा पैनल होता है वो बर्न इन प्रॉब्लम से क्या करता है, सफर करता है, मतलब इसकी स्क्रीन क्या होती है, जलती है, ठीक है। लेकिन जो एलसीडी होता है वो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम से सफर नहीं करता है। लाइफ स्पेन मतलब क्या हो गया, जीवन काल, ठीक है, कि ये कितने दिन तक चलता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा डिस्प्ले है उसका जो हमारी लाइफ स्पेन है वो शॉर्टर होती है किसके कंपेरिजन में, एलसीडी के कंपेरिजन में, ठीक है, इतने हावर्स होती है। और वहीं पे अगर आप एलसीडी की बात करेंगे तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है ये लॉन्गर होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है, और ये इतने हावर्स होता है, ठीक है। अब कॉस्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, चीपर होता है, और जो एलसीडी होती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है। अब देखो इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है, ठीक है, इसका वेट भी हल्का है, ठीक है, बर्न इन भी नहीं, इसमें बर्न इन की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब व्यू एंगल, ठीक है, इट शो द सेम व्यू फ्रॉम द एवरी एंगल, मान लो ये हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले है, ठीक है, हाँ, तो आप कोई भी एंगल से देखेंगे तो जो व्यू होगा वो सेम ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एलईडी में ये भी जो हमारा, मान लो ये एलईडी का स्क्रीन है, ठीक है, तो ये भी सेम व्यू ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप 165 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो ये जो हमारी स्क्रीन है एलईडी है ये सफर करने लगती है, किससे, साइड व्यू से, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो इमेज है, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी है पिक्चर की, ठीक है, वो ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर 165 डिग्री के ऊपर जाके आप देखते हैं तो जो हमारी क्वालिटी है वो ब्लर हो जाएगी पिक्चर की, ठीक है। तो नाउ अब आगे हम चलते हैं और बात करते हैं पावर कंजप्शन की, ठीक है, तो कौन कितना पावर कंज्यूम करता है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले है ये मोर पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे एलईडी है, एलसीडी है, ठीक है, ये क्या करता है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। नाउ अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले है उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। जो हमारा एलसीडी है उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, गुड होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई होता है कॉन्स्टेंट रेशियो, ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, लो होता है। और यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट सफर फ्रॉम द मोशन लैग इवन एज फास्ट मूविंग इमेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट सफर फ्रॉम द मोशन लैग, ठीक है, तो ये मोशन लैग से क्या करता है, सफर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सफर नहीं करता है। ब्राइटनेस के अगर हम बात करें तो इसका जो ब्राइटनेस होता है वो लोअर होता है, ठीक है, और इसका जो ब्राइटनेस होता है वो क्या होता है, हायर होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्लाज्मा डिस्प्ले।
अब अगर हीट की हम बात करें तो इट्स कंज्यूम मोर पावर, सो इट आल्सो प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, अब ये पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो हीट भी क्या करेगा, ज़्यादा निकालेगा। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा यहाँ पे पावर देते हैं, ठीक है, अब आप कोई मशीन है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो यहाँ से क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकालेगी। ठीक है, तो जो हमारा पावर कंजप्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हीट से। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। स्क्रीन रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो स्क्रीन सरफेस इज लेस रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले है वहाँ पे जो हमारा स्क्रीन सरफेस है वो लेस रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम बात करें इसमें एलसीडी में, तो जो हमारा स्क्रीन सरफेस है ये मोर रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे कितने 13 डिफरेंस हमने देख लिया प्लाज्मा डिस्प्ले और एलसीडी के अंदर। ठीक है, तो इतने आप अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इजी जो डिफरेंस होती हैं उसको हम लेके आए थे। ठीक है, ये आपको इजीली याद भी हो जाएंगी, तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो यहाँ पे लाइट बल्ब यूज होती है, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल। ठीक है, जो इसका वेट होता है वो हैवी होता है, ठीक है, जो इसका वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन बर्न इन प्रॉब्लम से सफ़र करती है, ये बर्न इन प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी कम होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीपर होता है, ये कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसमें व्यू एंड जो व्यू सेम व्यू सारे एंगल से हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 165 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो पिक्चर इन द एलसीडी सफ़र फ्रॉम द साइड व्यू। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने पावर कंजप्शन में देखा तो ये बहुत ज्यादा पावर लेता है। ठीक है, ये कम पावर लेता है, और ना उसके बाद हम परफॉर्मेंस में देखेंगे तो ये पुअर परफॉर्मेंस देता है और ये गुड परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। ठीक है, मोशन ट्रैकिंग, तो ये ऐसे कोई भी प्रॉब्लम से सफर नहीं करता है और ये सफर करता है मोशन लैग से। ठीक है, ब्राइटनेस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे लोअर ब्राइटनेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाई ब्राइटनेस होता है। हीट की बात करें तो ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता है तो हीट भी ज्यादा निकालता है। ठीक है, और ये लेस पावर कंज्यूम करता है तो हीट भी यहाँ से क्या होता है, लेस निकलती है। ठीक है, और स्क्रीन रिफ्लेक्शन में इसकी जो स्क्रीन सरफेस होता है वो लेस रिफ्लेक्टिव होता है और इसका जो स्क्रीन सरफेस होता है वो हाई रिफ्लेक्टिव होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस होता है उस पर आने वाली है। थैंक यू।